हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। फ्रेंड्स, वी अब जैसा कि आपको पता है, हम देखते हैं सीपीओ के जो सोल्यूशन है, जो पेपर हो चुका है 2019 का, उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। और फ्रेंड, ऑलरेडी मैंने जो है 9 और आपका जो 11 है उनकी जो फर्स्ट शिफ्ट है, दोनों फर्स्ट और सेकेंड जो करा दी हैं, ये जो है 11 की सेकेंड शिफ्ट है जिसको हम आज करा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखना ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है। और मैथ हर एग्ज़ाम में आता है, जैसे कि CGL, CHSL, DRDO, NTPC, ग्रुप डी और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें मैथ आता है। आप अगर मॉक टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में उनमें से टॉपिक उठाए जाते हैं, उसी से ही क्वेश्चन पेपर आपका बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अगर आपने ऑनलाइन फ्री स्टडी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो फ्रेंड्स और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस डली हुई हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी जो कि आपको हेल्प करेंगी, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे जिसका नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी, वहाँ पर PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 22 मीटर लंबी सीढ़ी है, ओके, और जो कि जमीन जिसके पाद यानी कि जो पैर रहते हैं सीढ़ी के, वो ज़मीन पर हैं। दीवार के साथ वो कितना जो है, दीवार के साथ जो है वह 60 डिग्री के कोण पर लगाई हुई है। कितने दीवार के साथ जो है वो 60 डिग्री के कोण पर लगाई गई है। भूमि से उस बिंदु की क्या, भूमि से उस बिंदु का जो है आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ये दीवार है, दीवार से यहाँ पर जो है कोण बना रही है। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण जो है यहाँ पर बन रहा है। अगर यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है और टेन थीटा बराबर क्या होता है, √3। ठीक है, तो ये यहाँ पर √3 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। इन दोनों को अगर पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसने बोला है कि इसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई जो है वो कितनी है, वो 22 मीटर है। 22 मतलब है 11 का इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, ये जाएगा। और आपको ये बताना है ये सीढ़ी जो है वो स्पर्श कर रही है किसको, दीवार को जो स्पर्श कर रही है उसकी जो है, दीवार की जो एग्जैक्ट लंबाई है वो स्पर्श करने वाली जहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है। तो √3 इंटू कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, √3 11 होगा। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ऑप्शन 11 दिया है, लेकिन फ्रेंड देखिए ये जो आंसर कीज़ हैं वो प्रोविजनल आंसर कीज़ हैं, उससे पहले वाली आंसर कीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर √3 11, ये वाला आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, DI का क्वेश्चन है। आपको दिया है यदि मार्च में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या और जनवरी में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या में एक्स अंतर है, तो एक्स का मान जो है आपको ज्ञात करना है, मतलब अंतर जो है उसको, डिफरेंस जो है वो किसके मध्य है, मतलब ये इनके कितने मध्य है, मध्य में है। ठीक है, किसके मध्य में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च में जो बेची गई संख्या है वो 99 है। ठीक है, और जनवरी में है 84। यहाँ पर थोड़ा कम देख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर मैं करके बता, देखिए दोनों के बीच की जो है डिफरेंस कितना है, 14 है। ठीक है, कितना है, 14 है, ओके। और इन सभी को आप जब प्लस करोगे, जब सभी को प्लस करोगे, यानी कहने का मतलब इन सभी को प्लस करोगे, ये जो है यहाँ पर 70, 95, 99, 45, 54 यहाँ पर दिया है, तो ये लगभग आएगा कितना आएगा, 360। ठीक है, ओके, 360। और यहाँ पर टोटल संख्या दी गई, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर दिए गए हैं 5400। ठीक है, तो 14 कितना है, 360। ठीक है, और 5400, ओके, इसको काटेंगे आप, तो एक तो ये 14 ऊपर बची गया है, यहाँ पर 15 बच जाएगा, ओके। और ये कितना होगा, 210। ठीक है, 210। अब किसके बीच में 210 आ रहा है, एक तो 200 से 250 के बीच में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है DI का है। ऐसे महीने की संख्या कितनी होंगी जिसमें बेचे गए कंप्यूटर की संख्या जो है 5 महीने में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या से 20% अधिक है। पहले तो ये हमें टोटल करना है, टोटल अभी हमने करा है इसका 360 है। ठीक है, 360 का 20% कैसे निकालेंगे, 36 मतलब 10 होता है, 36 को दो बार जोड़ दीजिए, हो गया 72। आपको ये देखना है 72 से ज़्यादा किस किस में, एक तो मार्च में है, एक हो गया जनवरी में, 2 हो गया और मार्च, और यहाँ पर सॉरी मई है, ये मार्च में कितना है, नहीं 3, तो 3 महीने ऐसे होंगे जिनमें 72 से ज़्यादा जो होगा वो कंप्यूटर बेचे होंगे, यानी कि 20% ज़्यादा, ओके।
अगला क्वेश्चन है, एक ए जो है एक कार्य को 2/5 भाग जो है करता है, मतलब ए जो है 2/5 जो है भाग है जो है 12 दिन में कर लेता है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को 66.3% जो है भाग को 16 दिन में। अब 66.3% को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 198 आएगा, प्लस करेंगे 2 तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, 200 काटेंगे तो वैसे भी यहाँ पर आपको 2/3 मिलने वाला है, कितना मिलना है 2/3, ठीक है, तो 2/3 काम जो है वो कितने में कर लेता है भाई, 16 में कर लेता है। देखिए यहाँ पर हमें 16 बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 का इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 8 का इंटू करना पड़ेगा, तो 8 + 3 = 24 यहाँ से मिला, ओके, यहाँ पर 6 का इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6 का इंटू करना पड़ेगा, ये हो गया 6×5 = 30, ठीक है, तो 30 और 24 का आप एलसीएम लीजिए, 30 और 24 का एलसीएम होगा 120, ठीक है, कितना होगा 120, हमारे पास 120 एलसीएम आ गया। ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी कितनी, 4 आ जाएगी, ठीक है, 30 का भाग देंगे तो। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, 3, बी की एफिशिएंसी आएगी 5, ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहाँ पर 5 एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ए की और बी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, वे 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ए और बी जो है काम करते हैं, 9 काम करते हैं, 9 की एफिशिएंसी काम करते हैं, 10 दिन तक काम करते हैं, 90 काम उन्होंने कर दिया, 120 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 130 बचेंगे, यानी कि 30 काम रिमेनिंग बचा है, ठीक है, ओके, शेष काम जो है बी अकेले करता है, बी जो है कितनी की एफिशिएंसी काम करता है भाई, बी करता है 5 की एफिशिएंसी से, ठीक है, 5 की एफिशिएंसी से काम करता है, ओके, किसकी एफिशिएंसी काम करेगा, 5 की एफिशिएंसी करेगा, और 30 काम करना है उसको, तो चीज 6 दिन में ये काम कर लेगा, कितने दिन में करेगा, 6 दिन में काम कर लेगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3,300 और दूसरे उसके बाद जो है 3,630 जो कि 2,500 वर्षों में वही धनराशि दर पर कितने जो कितनी हो जाएगी यदि चक्रवर्ती जो ब्याज है जो वार्षिक ब्याज जो है वो चक्रवर्ती ब्याज है। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो आप कैसे भी कर लीजिए, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखिए अगर आप इसको बेसिक मेथड से करेंगे थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन आंसर 100% सही आएगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर इसमें ट्रिक वगैरह लगाओगे तो थोड़ी सी क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, ओके। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है इसने भाई हमें, जो पहला देखिए कितना है, एक निश्चित धनराशि जो इस पर ब्याज दिया गया और वार्षिक दर जो है दूसरे व तीसरे वर्ष जो है, यानी कि एक एक वर्ष, दो वर्ष, तीसरे वर्ष, ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज मिलेगा और यहाँ पर मिड में ब्याज मिलेगा, मतलब दो टाइम ब्याज मिलेगा ना, ठीक है, पहले साल का ब्याज तो मिलता नहीं है, पहले से दूसरे में मिलता, दूसरे से तीसरे मिलेगा, ठीक है, तीसरे से चौथे मिलेगा, चौथे साल मिलेगा। तो अगर हम रेट निकालें, सिंपली अगर हम रेट निकालते हैं, रेट निकालेंगे तो मैं क्या करूँगा, एक ओवरऑल रेट निकालूंगा, 3,330 में से माइनस करूँगा 3,300, तो यहाँ पर कितना आएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है, और पहले साल में कितना जो मिला था उसको 3,300 मिला था, ठीक है, रेट निकालने के लिए 100 का इंटू कर दीजिए, यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है, 2 जीरो से जो जीरो काटेंगे 33, ये वैसे भी कितना आएगा, ये आएगा 10%, कितना आएगा 10%, ठीक है, तो पहले साल का 10 आ गया, ठीक है, अब दूसरे साल का कैसे निकालेंगे भाई, 3,630 में से माइनस करेंगे 3,000, कितना 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 3,330 आएगा, 330 जो है किस इसका कितना है, इसका कितना है, इसका 11%, ठीक है, कितना है 11, इस 3,300 का 11%, ये 11%, यानी कि पहला साल का 10, दूसरे साल का कितना है, दूसरे साल का सेकंड ईयर का रेट कितना आगा, 11 आ गया, ओके 11 आ गया। अगर हम ढाई साल का अगर यहाँ पर निकालते हैं, 2.5 है ना, 2.5 ढाई साल का हम यहाँ पर निकालते हैं रेट, ओवरऑल रेट निकालेंगे, टोटल रेट निकालेंगे, तो हमें पता है ए प्लस बी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इनटू बी यहाँ पर डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूले से हम लगा देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले साल में 10 मिल रहा था, दूसरे साल में 11 मिल रहा था, दोनों को प्लस करेंगे 21 हो जाएगा, और एक पहले साल का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट का लगाइए नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ पर प्लस है 21 × 5 करेंगे, 100 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये दो बार, ये कितने बार, ये आएगा 5 × 10, ये 20, ठीक है, तो इस बार जाएगा, और इसमें देखिए ये एक यहाँ पर 10, ये कितने बार जाएगा, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, पॉइंट कितने 5 बार भी आएगा, 0.05 बार, ठीक है, 0.05 बार, जीरो लगाने पड़ेगी, 0.05 बार, यानी कि ये 2,500 एक 26, 26 एक 27, 27.5,
कितना आ गया 27.5 रेट आ गई, ओवरऑल रेट कितनी आई 20.05% हमारे पास आ गई, 27 आ गई, ठीक नहीं 27.06 ओवरऑल रेट हमारे पास आ गई है, ठीक है ओवरऑल रेट आ गई है। अमाउंट कितना हुआ, देखिए ओवरऑल रेट देखिए अमाउंट में से अमाउंट कोई भी अमाउंट जो होता है हमारे पास वो 100% की स्थिति में होता है, अगर उसकी रेट है 27 तो अमाउंट हम बोल सकते हैं 127.05%, ठीक है इतना बोल सकते हैं, यही होगा ठीक है। अब ये इतना होगा, अब हमने कहा 11% यानी कि दूसरा साल है उसमें 3,300 पे जो मिल रही थी यानी 11% पे मिल रही थी ठीक है, और कितना जो है जो था 300 का जो है प्रॉफिट हमें जितने मतलब रेट से मिल रहा था मतलब प्रॉफिट की जिसके ब्याज से मिल रहा था ठीक है, तो 11% से मिल रहा था ओके। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, जो हमें मिल रहा है 127.05 मिल रहा है इसमें भी अगर हम इसका इंटू कर दें ठीक है, तो ये चक्रवर्ती ब्याज जो होगा वो आपको धनराशि जो यहाँ पर देखिए वो क्या यहाँ पर भी जो है अमाउंट हमारा क्या निकल के आ जाएगा ठीक है, यहाँ से क्या अमाउंट हमारा निकल के आएगा, आप इसमें इंटू करेंगे इंटू करें करके देख लीजिए, चाहे आप ऐसे करके देख लीजिए, देखिए ऐसे करके देख लीजिए 3 0 देखिए 1 2 जीरो हट गई ठीक है, तो डायरेक्ट कर लीजिए 127.05 ठीक है, और कितना था ये था 300 को 3 कर दीजिए ठीक है, कितना कर दिए 3 कर दीजिए ठीक है, अब इंटू करिए 5 3 15 की 5 आ गई, 1 1 आ गई, 5 7 35 की यहाँ पर कितनी जाएगी यहाँ पर ओके सॉरी 5 3 3 7 21 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगी, 3 2 6 6 7 8 ठीक है, और 3 तो यहाँ पर यही क्वेश्चन ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन है 6.3 सेंटीमीटर की वाली त्रिज्या एक ठोस जो है गोला है उसको पिघलाया गया है और उसमें 25.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ठीक है हाइट दी है ऊंचाई वाला एक लंब वृत्तीय शंकु बनाया जाता है ठीक है, ऊंचाई दी है उसका शंकु बनाया जाता है, शंकु के आधार के व्यास का ऊंचाई जो है ऊंचाई से अनुपात क्या होगा ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन का ज्ञात करना ठीक है, तो डायमीटर हमें देखिए व्यास और ऊंचाई यानी कि डायमीटर और ऊंचाई यहाँ पर ऊंचाई यानी कि हाइट ठीक है दोनों निकालनी है हमें ठीक है, तो हाइट तो दी हुई हमें ठीक है, डायमीटर निकालना है, डायमीटर के लिए रेडियस निकालनी पड़ेगी क्योंकि रेडियस यहाँ पर रहती है रेडियस 2r रहता है डी ठीक है ओके, मतलब डायमीटर रहता है इसका आधा रहेगा ठीक है रेडियस का ठीक है ओके। तो भाई हम क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ठोस गोले का आयतन, हमें पता है ठोस गोले का आयतन कितना होता है 4πr³ पाई को हटा दीजिए ठीक है, और शंकु का आयतन कितना था 1/3πr² ठीक है, तो पाई तो हटा दीजिए 4/3 लिखा हमने ठीक है, इंटू पाई का मान नहीं लिखना है आर का मान लिख दिया, आर का मान भाई यहाँ पर कितना दिया था 6.3 ठीक है ठोस गोले का ओके 6.3 लिख दिए, 3 बार लिख दीजिए इसका काम में आएगा 6.3 ठीक है, और बराबर में 1/3 आ ही रहा है 1/3 से 1/3 काट दीजिए वैसे भी ठीक है ओके, आर स्क्वायर भाई इसका नहीं दिया हमें रेडियस इसकी नहीं दी है पहली बार ठीक है ओके निकालनी है ओके, और हाइट कितनी दी है 2πr h होता है ना 2πr² h 25.2 ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं ये 6.3 ये जाएगा इसका ये 6 ये यहाँ से आएगा ये 6.3 बार ही जाएगा ठीक है ओके, यहाँ से चला जाएगा उसके बाद हमारे पास बचेगा एक 6.3 एक 6.3 एक यहाँ पर 6.3 ठीक है ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा एक 6.3 यहाँ पर बचा इंटू एक 6.3 यहाँ पर बचा ओके, और यहाँ पर से हमें कुछ नहीं बचा ओके, यहाँ पर से हमारे पास कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 6 1/3 था ओके, और यहाँ पर 6.3 था तो यहाँ से भी ये भी कट जाएगा ठीक है ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा आर स्क्वायर बराबर 6.3 था आर स्क्वायर कटा दीजिए ठीक है, तो R बराबर 6.3 R बराबर क्या आ गया 6.3 आ गया, अब डायमीटर का जो इंटू का डायमीटर का डबल करेंगे डायमीटर यहाँ पर डबल करेंगे इसको 6.3 को डबल करेंगे तो कितना आगा 2 × 6.3 कर दीजिए और बराबर कर दीजिए 25.2 ठीक है ओके, ये कितने बार जाएगा ये यहाँ से करेंगे यहाँ से इससे काट दीजिए इससे काटेंगे ये जाएगा कितने बार ये इससे 4 बार जाएगा ठीक है ओके, और इसको ये 2 बार जाएगा ठीक है 2 आ गया यहाँ पर 1 आ गया ओके, तो 1:2 1:2 में यहाँ पर आंसर क्या होगा 1:2 में होगा ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन दिया त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 10 10.5 14
और ये परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए फ्रेंड, देखिए 10 दिया है हमें, 10.5 दिया है और 14.5 दिया है। तो ये एक फॉर्म होती है, इसमें अगर 20 का इंटू करूँ, ठीक है, ये कितना होगा, 21 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। तो ये एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ये कौन सा ट्रिपलेट होता है? ये राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर आप राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना आपको ईजी क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन इतना ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम ट्रिपलेट बना रहे हैं। परिवृत्त का जो है त्रिज्या जो आपको ज्ञात करनी है। ओके, बड़ी भुजा तो बड़ी होगी, 14.5 होगी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये केंद्र है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या होता क्या है, ये जो 14.5 है ये यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, 14.5 जो है डिवाइड बाई 2 होता है, ये इतनी 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 जो है इतना रेडियस तक की जो है। ठीक है, ओके, यहाँ पर करेंगे तो 7.25 आएगा। कितना आएगा? 7.25। तो यहाँ से तक की रेडियस कितनी आएगी? 7.25, आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया अंडर रूट में एक्स दिया है और यहाँ पर जो है वैल्यू हमें निकालनी है इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो रहता है, क्वेश्चन अगर इसमें हमें अंडर रूट नहीं दिया होता, सिंपल वैल्यू दी होती, तो हम इसको क्वेश्चन को ईजीली करते, लेकिन ये ईजीली नहीं होगा क्योंकि एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू होता है के। ठीक है, अगर स्क्वायर लगाते हैं हम 1+x के स्क्वायर लगाते हैं तो के यहाँ पर स्क्वायर -2 होता है। तो हमें इस पर फोकस करना है। ठीक है, इस पर फोकस करना है एक्स स्क्वायर पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर पर आप करेंगे यहाँ पर तो एक्स प्लस 1+x, तो ये कितना आएगा भाई, एक्स कितना आएगा यहाँ पर, ये के, यानी कि यहाँ पर से के माइनस, यानी कि ये कितना, के माइनस कितना 2 यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा, ये के बराबर आ गया 7। यहाँ से इस एक्स प्लस के आ गया। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, यानी कि 749 माइनस 2 आएगा तो 47 आ गया। कितना आ गया? 47। ठीक है, कितना आ गया? 47 हमारे पास आ गया। ओके, तो ये वैल्यू आ गई स्क्वायर 1+x² इज इक्वल टू बराबर 47। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर इसका इंटू करिए, x की पावर 4 प्लस यहाँ पर आ गया कितना, ये वन आ गया यहाँ पर, x की यहाँ पर भी स्क्वायर लग गया। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर लग गया। हमें क्या है, x के साथ में चाहिए कितना, 47। ठीक है, x के साथ में चाहिए कितना, 47 x के साथ में चाहिए। ओके, प्लस का वन है, 47x² हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये जो है अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्या है, प्लस के 1 को यहाँ ले जाते हैं, कितना करते हैं, प्लस के 1 को यहाँ ले जाते हैं, ये माइनस को जाएगा तो ये यहाँ पर माइनस का 1 देगा। ठीक है, और ये 47 इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो ये कि x कितना होगा, x की पावर 4 है, x 47x². ठीक है, यहाँ से x वाल ले लीजिए तो पैसे ये जाएगा आपका। ठीक है, x² माइनस 47 और यहाँ पर माइनस का 1 यहाँ पर आ ही गया था। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन डी है, राज्य दिए हैं, बी राज्य के में लगाए गए पेड़ों की संख्या जो है सभी राज्यों के दौरान ए में लगाए गए पेड़ों की संख्या का औसत जो है कितना अधिक है इससे। ठीक है, तो भाई औसत कितना अधिक है वो हमें देखना है। पहले तो देखिए ये पता होना चाहिए बी राज्य में, सॉरी ए राज्य में कितने जो है टोटल पेड़ जो है संख्या कितनी है। ठीक है, संख्या 71। ठीक है, एक है यहाँ पर 90 है, ओके, 178 है, 90 ये 178 है और एक आएगा 90, एक आएगा 100। ठीक है, तो 90-90 वाली संख्या को जोड़ दिए। ठीक है, 90-90 वाली संख्या का लगभग जो है 18280 हो जाएगा। ठीक है, 280, देखिए 9 18 29, ये कितना है, 9 1 9 9 18 29 27। ठीक है, 27 और यहाँ पर 100 है ना, तो 280 हो जाएगा। ठीक है, 280 70 78, तो ये 148 हो जाएगा, तो ये 428 हो जाएगा। इनका औसत कितना है, 5 वैल्यू थी, औसत कितना आगा, ये आएगा 5 8 40। ठीक है, ये 5 8 40 आएगा, फिर इसका यहाँ पर 55-25 बचेगा, फिर 55-25 यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 5 31, 5 31 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो 85.3 जो है यहाँ पर वैल्यू सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक आएगा 83, एक आएगा यहाँ पर बी में आएगा, एक ये एक दो, ठीक है, और यहाँ पर आए एक दो, एक ये 3। ठीक है, तो 3 यहाँ पर आ जाएंगे, कितने आएंगे, 3 वर्ष यहाँ पर, ऐसे 3 ईयर ऐसे ज़्यादा आएंगे। ठीक, तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है 2016 के दौरान लगाए गए पेड़ों की संख्या इसी राज्य में के दौरान जो है 2015 के लगाए गए पेड़ों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इसमें
14-16 में लगाए गए 78 पेड़, 15 में लगाए गए 90 पेड़। तो ये कितना कम है इससे? 12 कम है, ठीक है। वैल्यू कितने से कम है? 90 से कम है, ठीक है। हमें यहाँ पर करना है ये, ठीक है। यहाँ से एक जीरो काट दिए, 3 चौक 12 और 3 3 9, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 40/3 आ गई। तो 40/3 कहाँ पर मिल रहा है भाई? यहाँ पर नहीं मिल रहा, 41 हो जाएगा। 39 होता है 3 × ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 45 होता है, 45 और ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 39 + 1 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है हमारे लिए पूछा है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? ये भी दिया है, राज्य बी में 2015 और 2017 के दौरान लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या जो है, राज्य ए में 2014-16-17 के दौरान लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत कम है? इससे कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, ये हमें बताना है, ओके। तो पहले बी की जो राज्य है उसमें 2015 और 2017 में 118 है, पहले तो 118 और 117 जोड़ने होंगे, 117 नहीं 118 और यहाँ पर 118 ये हैं, ठीक है, 15 में, और ये 17 में कितने हैं भाई? ये 17 है और ये 72 है, ठीक है। 118 और 72 जोड़ेंगे, 118 और 72 जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया? 190। कितना आ गया? 190। बी का कितना आ गया भाई? बी के पेड़ लगाए बी ने 190 लगाए। ए ने कितने लगाए? ए ने लगाए देखिए 2014 की बात करें, 2014 में ये लगाए इसने 70, ठीक है, और 2016 में कितने लगाए? 78 लगाए हैं, ओके। उसके बाद 2017 में इसने जो लगाए हैं वो लगाए 92, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे आप, ठीक है, इसको प्लस कर सबको प्लस करेंगे 240, कितना आ गया? 240 आ गया, ठीक है, 240 माइनस करेंगे तो 50 यहाँ पर आंसर आएगा, डिफरेंस कितना आ गया? 50 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला है कितने से कम है? 240 से कम है, ठीक है, 240 से कम है, ओके। तो परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज निकालना इससे निकाल दीजिए। यहाँ पर जब निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 125 बटे, ठीक है, 125 बटे यहाँ पर, 125 बटे यहाँ पर नीचे कितना आएगा? 6 आ गया था, ठीक है, काट दीजिए, 6 को काट दीजिए, 6 से भी काटेंगे, 6 × 2 = 12, ठीक है। जीरो लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, कितना 50 हो जाएगा, तो ये कितना 6 × 8 = 48, ठीक है, 48 बचेगा दो भी, लेकिन आपको इतना ही आप आंसर देना, इतना आंसर हमारे पास दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या दी है 60%, लड़कों की संख्या 60% है, बाकी हैं लड़कियां, यानी 40% लड़कियां। यदि परीक्षा में 20% लड़के जो है अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि 20% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 40% तो यहां पर 60% लड़के थे, यानी कि 40% उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कुल संख्या, यानी कि पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है, ओके, 60% बॉयज़ हैं तो बचे कितने? 40% बॉयज़, ठीक है, ओके। इनको हम करेंगे तो कितने आ गए इसमें जो है, देखिए 20% जो हैं बच्चे जो हैं फेल हुए हैं, ठीक है, 20% इसमें बच्चे फेल हुए हैं, लेकिन 20% इसमें, लेकिन 80% बच्चे तो कितने हुए? 80% बच्चे पास हुए होंगे, ठीक है। 60 का 80% कितना होगा? 60 का 80% होगा 48, तो 48 बच्चे जो हैं पास होंगे, 12 बच्चे फेल होंगे, ठीक है। अब इसने बोला है इसके 65% बच्चे जो हैं क्या पास हुए हैं, इसका 65 कैसे निकालेंगे? 50% 20 होता है, ओके, 50% कितना होता है? 20 होता है, और यहाँ पर आपको निकालना है 10% कितना होगा? 4 होगा, ठीक है, 4, और 5% कितना होगा? 2 होगा, यानी कि 6, यानी कि 26 हो गया, कितना, सॉरी 26 नहीं होगा, 4, हाँ 26 होगा यहाँ पर, 26 नहीं 24 होगा, ठीक है, 24 नहीं होगा, 26 ही आएगा, 26, ठीक है, क्यों? 10% 40, और 40 का भी अगर आप 10 का भी 5 करते हैं, यानी कि 65 चाहिए तो भाई 2 आ जाएगा, तो 26% हमारे पास आगा सर, ये कितना आगा? ये आगा 26, ठीक है, तो ये 26 होगा, ठीक है। कितना डिफरेंस है भाई? कितना डिफरेंस है यहाँ पर? सॉरी डिफरेंस नहीं निकालना, उत्तीर्ण निकालना ना, हाँ उत्तीर्ण निकालना, यानी कि ये भी पास है, ये भी पास है, तो 26 और 48 कितने हो गए? 74, तो 74% जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर पास हो जाएंगे, 74% परसेंट नहीं होंगे, परसेंट की बात नहीं हो रही, 74 बच्चे हैं, तो 74 बच्चे यहाँ पर पास हो जाएंगे, ओके। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, मेथड आप यहाँ पर सेकंड मेथड भी देख सकते हैं, ठीक है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, ये टोटल 5 हो रहे हैं, ठीक है, 80% यहाँ पर बच्चे पास हो रहे हैं, इसका 80 निकालेंगे तो 8 × 3 = 24, ठीक है, 240 कर सकते हैं, ये कितने हो रहे हैं? 65 हो रहे हैं, तो 65 का यहाँ पर इंटू करेंगे तो 130 आ जाएगा, टोटल कितने हैं यहाँ पर?
टोटल तो भाई पाँच हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पाँच हैं, 240 और कितना 180 का यहाँ पर सम कर दीजिए, ठीक है, सम कर दी, टोटल कितने हैं पाँच हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिए जाएंगे भाई, पास पास की बात हो रही है, 370 और ये 74, ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए एक त्रिभुजाकार पार्क है, पार्क की भुजाएं दी हैं आपको, ओके, और उसमें 9.25 पर मीटर स्क्वायर की दर से पार्क के समतल करने में जो है लागत कितनी लगेगी, ठीक है, 9.25 की रुपए की दर से जो है आपको बताना है इसमें पार्क को समतल करने का जो है कितना समय लगेगा। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कॉस्ट के, कॉस्ट जो क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, एरिया कितना है, एक्चुअल में हमें एरिया नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज में, वो हैरो का फॉर्मूला होता है, हैरो का फॉर्मूले में क्या होता है, पहले एस निकालना होता है, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना टू होता है, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, ओके, इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिए, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा कितना आएगा, ये छः और पाँच ग्यारह और तीन चौदह की चार आएगी, ठीक है, चौदह की चार आएगी पाँच, ठीक है, ये कितना सात हो गया, सात और पाँच बारह से तेरह चौदह पंद्रह, ठीक है, 154 हो गया और बटे में कितना टू, तो डिवाइड करेंगे ये आएगा 77, ठीक है, 77 हमारा ऐसा आ गया। अब हैरो का सूत्र आपको पता होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, तो देखिए 77 तो एक आ ही जाएगा हमारे पास, ठीक है, अब 77 से माइनस 35 माइनस करेंगे, 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75 77 42 आएगा, ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे इंटू करेंगे, फिर इसमें 77 में 50 कितना 53, ठीक है, 53 करेंगे तो ये कितना आएगा 24 आंसर आएगा, ठीक है, 24 इसमें माइनस करेंगे, फिर इसमें से 66 माइनस करेंगे 70 में तो कितना आएगा 11 आएगा, आप ये अंडर रूट मत भूलिएगा, 70 मतलब क्या होता है 11 × 7, ठीक है, ओके, 42 कितना 7 × 42 होता है, 7 × 42, ठीक है, इसका इंटू, ठीक है, ओके, कितना होता है 7 × 42, ओके, 7 × 42 ये भी इंटू है, और 6 × 24 होता है, 6 × 24 कर दीजिए, ओके, और 11 तो 11 ही है, ठीक है, 11 यहाँ से बाहर आ गया, 17 बाहर आ गया, 16 आ गया बाहर, और 4 में से 2 बाहर आ गया, ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू बाहर आ गई भाई, 11 आ गया बाहर, 17 आ गया बाहर, 1 आ गया 6 बार आ गया, 2 बार आ गया, ये 70 हो गए, ये 12 हो गए, 70 और 12 का इंटू करेंगे, ठीक है, 12 × 7 = 84 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 924, ठीक है, 924 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें कॉस्ट निकाली, एरिया हमारे आ गया, कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कितनी है 9.25 है इंटू 924 है, इसको इंटू कर दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं कैसे करना है, देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, 9.14 कर लीजिए इसको, ठीक है, 9 × 36 = 37 लिख लेंगे तो क्वेश्चन और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 × 924 है, ओके, बटे में है, तो इसको पहले इससे काट दीजिए, ठीक है, इसको काटेंगे, 4 × 8, ठीक है, 4 × 3 = 12 और 4 × 1 = 4, 123 × 37 करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे आप डिजिट से सम डिजिट से भी देखिए 7 यहाँ पर एक में आ रहा है, 1 7 में आ रहा है, 7 सिर्फ इस वाले आंसर में आ रहा है 7, ठीक है, अगर आप 7 करेंगे या फिर यहाँ पर 3 × 9 करेंगे, ठीक है, सॉरी 3 × 7 = 21 करेंगे, ठीक है, 3 × 7 = 21 करेंगे और एक यहाँ पर आएगा, तो ये 4 वैसे भी ऑप्शन 2 भी, ऑप्शन 3 हमारा आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, आप पूरा इंटू मत करिए, आप एक डेट देखकर भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, सबसे अलग अलग डेट है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति है जिसमें 10,500 की धनराशि जो है एक्स परसेंट की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, और 13,500 की धनराशि जो एक्स प्लस 2 की परसेंट की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है निवेश किया है, यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज आपको जो है 7,650 रुपये मिले हैं, तो पहले वर्ष का जो पहले निवेश पर ब्याज की दर कितनी थी वो आपको ज्ञात करनी है। देखिए पहला यहाँ पर 10,500 और 13,500 इनको जो है आप पहले तो क्या कर लीजिए, इनको सम कर लीजिए, इसको हम 3 से कर सकते हैं इंटू, ठीक है, यहाँ पर कर सकते हैं 3, यहाँ पर आप 3 से मत करिएगा, 2 से कर दीजिए, 3 से नहीं जाएगा, 2 से 5 से जाएगा, ठीक है, 5 × 10, ठीक है, 5 × 10 और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई थी, 5 × 5, ठीक है, 5 × 10 आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 5 × 5 यहाँ पर कितना होगा
पाँच सॉरी यहाँ पर 3 बजे, 5 7 35 से 21, 21 साथ में आ गए और इसको भी 7 से भी काट दे, 7 3 7 21 और ये 29 था भाई, ठीक है 5 ओके सॉरी 7 था तो ये 9 आ जाएगा, 7 और 9 में जो हमारे पास ये रेट आ गई। तो 7 की रेट जो थी वो एक्स थी, 7 की रेट एक्स थी ठीक है, और एक जो हमारा था 9 की जो रेट थी वो कितनी थी, एक्स प्लस 2 थी ठीक है, कितनी एक्स प्लस 2% थी। अगर हम टोटल रेट की बात करें, कितनी बात करें टोटल रेट की बात करें, तो 7x और 9x कितने हो जाएंगे 16x और 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आपका टोटल रेट जो बनेगा वो कितना बनेगा 16x प्लस 18 ठीक है, कितना बनेगा 16 प्लस 18 बनेगा। अगर हम टोटल रेट की ओवरऑल रेट की बात करें पर ईयर में जो बन रहा है ठीक है, इन पर ईयर में जो बनेगा वो ब्याज जो है कुल जो है ब्याज जो है हमें 3 वर्षों में कितना मिल रहा है 7650 मिल रहा है, 3 वर्षों में मिल रहा है। और एक और देखो जी, तो हमें प्रिंसिपल भी रखना पड़ेगा, देखिए प्रिंसिपल ऐसा रखिए कि यहाँ पर डिविजिबल इसका इंटू करें हम और इसका इंटू करें और यहाँ पर भी इससे अगर उसका डिवाइड करें तो कितना है तो हमें आ जाए, लेकिन उसमें दिक्कत ये देखिए ऐसा छोटा नहीं रखना है कि भाई 100 रख लिया तो ये कट जाएगा, 200 रख लिया तो कट जाएगा, नहीं ऐसा रखिए कि इसका डिवाइड इसमें इंटू करें उसका, तो इस दोनों का इंटू एक दूसरे में आप कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 15 लेंगे ठीक है, और यहाँ पर कितनी देखिए यहाँ पर कितने लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 ठीक है, तो यहाँ पर डेट इतना ले सकते हैं, तो 1500 मैंने जो है प्रिंसिपल ले लिया ठीक है, 1500 प्रिंसिपल ले लिया। अब इसको काटना है हमें ठीक है, काट दीजिए भाई 300 काटते हैं ठीक है, पहले तो इस और 100 का इंटू करेंगे भाई, तो 100 का इंटू करेंगे तो इसकी 2 जीरो चले, इसकी 2 जीरो चले जाएंगे ठीक है, तो ये 2 जीरो वाला किस्त तो हटाई दी हमने 5 से काट दीजिए चाहे कैसे भी काट दीजिए आप ठीक है, ये आप 5 से काट दीजिए चाहे 15 से काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, तो ये आप काटेंगे यहाँ पर तो ये ऑलरेडी जो है 170 ये लगभग 170 आएगा ठीक है, कितना 170% आएगा ठीक है, 170% आएगा। पहले हमारा कितना आया था, पहले ओवरऑल रेट हमारी कितनी आई थी भाई 16x प्लस 18 आया था, और ओवरऑल रेट कितनी आई भाई हमारी 170 आई है ठीक है, कितनी आई 170, हमें x की वैल्यू निकालनी है, कितनी निकालनी x वार्षिक धनराशि हमें निकालनी है, परसेंट कितनी है रेट पर दे रहा है ठीक है, तो भाई यहाँ पर माइनस करेंगे इसमें 18 माइनस करेंगे 152 आ जाएगा ठीक है, डिवाइड कर दिए 16 से, अब तो 16 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 4 चक 16 और 4 3 12 और 4 8 32 ठीक है, फिर से काट दिए और ये आएगा 19/2 आ जाएगा, तो 19/2 कर लीजिए भाई, 9 बार जाएगा और 0.5 आएगा, तो 5x की वैल्यू 5 जितनी आ जाएगी ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, रिजल्ट बहुत बड़े बड़े दिए हैं, ए ने एक व्यवसाय में 20 से 6 लाख अधिक रुपए निवेश किए हैं ठीक है ओके, और यहाँ पर जो है बी ने अपनी पूंजी का 7.5 माह जो है निवेश किया, जबकि ए ने अपनी पूंजी का 2.5 वर्ष अधिक इससे ठीक है, तो ए ने जो है निवेश यानी कि 7.5 इसने किया है ठीक है, 2.5 वर्ष इसने ज़्यादा किया ए का, तो ए का 10 माह आ जाएगा ठीक है, 10 माह जो है पूंजी निवेश की होगी, तो उसने बोला है कि कुल जो लाभ हुआ है वो 12,40,000 हुआ है, और यदि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2,48,000 रुपये कम है तो बी की पूंजी आपको निकालनी है ओके। तो यहाँ पर ए प्लस बी हमें प्रॉफिट कितना दिया, ए प्लस बी का प्रॉफिट दिया है 12,40,000 ठीक है ओके, और ए माइनस बी का प्रॉफिट कितना दिया है, ए और बी का व्यवसाय में जो निवेश करते हैं वो तो इतना करते हैं ठीक है, इनका जो डिफरेंस दिया है वो 2,48,000 दिया है ठीक है, 2,48,000 दिया ओके, ए माइनस बी दिया है, तो यहाँ से आप काटेंगे इनको 2 जीरो को, इसका 3 जीरो को इसको काटेंगे, तो ये जो है इसके 5 गुने के बराबर है, तो 5 गुने 1 ठीक है, तो 5:1 में हमारे पास आ गई है ठीक है, यानी कि ए प्लस बी बराबर हमारे पास है 5 ठीक है, और ए माइनस बी बराबर हमारे पास है 1 ठीक है, तो यानी कि ए का जो वैल्यू है वो है 3, बी का वैल्यू जो है वो 2 ठीक है, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या होता है आपने जो पूंजी लगाई है पूंजी ठीक है, जो भी पूंजी लगाई है और जो समय लगाया यानी कि जो टाइम लगाया है ठीक है, जो टाइम लगाया वो किसके बराबर होता है, वो प्रॉफिट के बराबर होता है ठीक है, तो पूंजी हमारे पास पूंजी नहीं है, तो ए और बी की पूंजी है ही नहीं ठीक है, ए और बी की पूंजी हमारे पास नहीं है ओके, तो टाइम तो है हमारे पास, ये जो है टाइम लगा रहा है, ए जो टाइम लगा रहा है 10 मंथ ठीक है, इससे 2.5 माह ज़्यादा लगा रहा है ना, तो ये कितना लगा रहा है
साढ़े सात को कैसे भी लिख लीजिए, 7.5 लिख लीजिए, ठीक है। टाइम भी हो गया, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है भाई, इसका प्रॉफिट हमारे पास आया, इसका प्रॉफिट किससे आएगा, इसका प्रॉफिट आया हमारे पास 3, ठीक है, इसका प्रॉफिट आया 2, ठीक है। तो इस प्रकार कर सकते हैं आप, जब काटेंगे क्वेश्चन को, जब काटेंगे तो ए और बी, देखिए इसको काटेंगे तो ए बी यहाँ पर 9 आएगा, ए बी 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ए की वैल्यू है, यानी कि ये ए की वैल्यू है, वो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60,000, ठीक है। ए ने बी से, ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख जो है अधिक जो है लगाए हैं, 6 लाख जो है अधिक लगाए हैं, ठीक है। कितने लगाएँ, 6 लाख अधिक लगाए हैं, तो भाई 6 लाख अधिक लगाए हैं तो ये 6848, तो 848 यहाँ पर आएगी। बी की पूंजी कितनी आएगी, इतनी आएगी, ठीक है, 6848, ठीक है। तो ये कितना, 30 यहाँ पर, 340, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये आएगा ऑप्शन नंबर 1, 48 लाख, ठीक है। कितना आएगा, 48 लाख हमारे पास ऑप्शन है, क्या आएगा, 48 लाख हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार निकालना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एक्स, मान लीजिए एक संख्या जो है वह छोटी छोटी संख्या जो है एक्स है, और जो उसमें 16, 24, 30, 36 और 45 विभाज्य है, तथा एक्स एक पूर्ण वर्ग है भी है। जब एक्स को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बताना है। एक्स में 123 का डिवाइड करें तो हमें बताना है, ये एक्स वाली वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, उसका रिमाइंडर हमें बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा है, प्रीवियस पेपर में भी एक एग्जाम में आया था, प्रीवियस उसमें, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें से ऐसा एक देखिए के का पहले तो हम मान लें कोई भी चीज़ के, ठीक है, एलसीएम लेंगे कोई संख्या लेंगे और के लेंगे, ठीक है। कोई संख्या कहाँ से आएगी, इसमें से एलसीएम लेंगे तभी संख्या आएगी। पूरी का एलसीएम नहीं लेना है, एक संख्या का एलसीएम लेना है, जिससे गुणा करें तो वो क्या हो जाए, एक पूर्ण एलसीएम बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हम कौन कौन संख्या ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं और 36 ले सकते हैं। इनको इंटू करेंगे तो बनेगा 720, ठीक है। बचा कितना, कितना 16 बचा हमारे पास, ठीक है, 9545, ठीक है। कितना बचेगा, 9545, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जाएंगे तो ये जो आपका के जो होगा वो कितना आएगा, के जो रहेगा वो पूर्ण वर्ग में 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 720 का इंटू करेंगे 5 में तो ये कितना, तो 0 तो आएगा, 10 आएगा, 7 × 35 = 36 आ गया। 3600 हमारे पास संख्या आ गई है और उसमें हम 123 का भाग करेंगे, ठीक है। तो ये 123 का भाग करेंगे तो 9 दो बार जाएगा, ठीक है, कितनी बार आएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि 2 बार जाएगा, क्योंकि ये होता है कितना, 360 में करेंगे तो ये 240 होता है, ठीक है, कम है इससे। फिर इसके बाद यहाँ पर 1140 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद 11, इसके बाद हम कितने में 9 बार इंटू करेंगे, कितने में इसमें, ठीक है, 9 बार इंटू करेंगे तो कितना बार, 9 दिया कितना, 27, 7 आ जाएगा, ओके, 27, 7 आ जाएगा, 9 × 18, 18, 18, 19, 20, 0 आ गया, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, 9 से 9 आ जाएगा, 10, 11, 10, 11, ठीक है। तो 1140 में से हटाएंगे तो 103 आ गए यहाँ पर, ठीक है, और फिर से 3 में 3 = 0, 33, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया भाई, 33 रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, 33, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 33 हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये जो है हमारी वीडियो थी, यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, लगभग 20 क्वेश्चन देखे, और उन 20 क्वेश्चन में आई थिंक आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। लेकिन मैंने माना कि मैं जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को फास्ट कराता हूँ, लेकिन फ्रेंड ये एक तरीके से मॉक टेस्ट है आपके लिए। अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी एक टॉपिक पर, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइएगा कोई भी एक टॉपिक पर जो भी वीडियो देखना चाहते हैं। अगर परसेंटेज चाहते हैं तो परसेंटेज ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं सही ही डालने वाला हूँ। उससे पहले देखिए प्रॉफिट लॉस की मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस को मैंने परसेंटेज के साथ में ही वैसे कवर अप करा दिया था, लेकिन फिर भी परसेंटेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, प्रॉफिट लॉस की ज़्यादा नहीं, 2 वीडियो डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने परसेंटेज में ही काफ़ी कुछ जो है प्रॉफिट लॉस को पढ़ लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।